ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के इस समय में हर एक इंसान पैसे के पीछे ही भाग रहा है। हर इंसान पैसा कमाना ही चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसका पैसा व्यर्थ कहीं पर खर्च हो जाए। लेकिन जब ऐसा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको धन खींचने वाले उस पौधे के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले पहचान बताऊँगा कि आपको कैसे पहचानना है कि ये वही पौधा है जो मैंने वीडियो में देखा था। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी। और ये पैसे को बांध करके रखता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके घर में रहने से आपके पैसे को रोक करके रखता है, आपके पास कहीं पर भी व्यर्थ खर्च नहीं होने देता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि पौधे की पहचान क्या है, ठीक है। अब ये जो सामने आपके एक पौधा दिख रहा है, इस पौधे का नाम है क्रासुला। ये क्रासुला का पौधा होता है। देखिए कैसा दिखता है ये पौधा। इसकी डंडी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ये पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी होती है। मैं आपको हर एक एंगल से, हर एक दिशा से दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप कोई ऐसा पौधा नहीं ले आएँ। आजकल लोग पागल बहुत बना देते हैं पौधों को लेकर के, तो आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से होता है। देखिए दिखाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितने चौड़े चौड़े इसके पत्ते होते हैं। अगर मैं पीछे से दिखाऊं, हल्का सा येलोनेश आपको दिख रहा होगा, हल्का पीलापन पत्ते में आपको देखने को मिलता है। पत्ते इसके देखिए कितने मोटे होते हैं, जो मेरे हाथ में आपको ये पत्ता दिख रहा है, देखिए दबाने पर पूरी तरीके से दब जा रहा है, इतना मोटा इसका ये पत्ता होता है। आपको समझने की जरूरत है, इसी तरीके से आप वहां पर दबा करके देख लेना कि कहीं ये पत्ता आपको ऐसे एक बहुत सारे पत्ते ऐसे आते हैं कि ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये पत्ते का चौड़ाई होती है और हल्का सा दबाने पर ये पूरी तरीके से दब जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं मुलायम पत्ता होता है और आसानी से टूटता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डंडी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो डंडी भी इसकी क्या होती है, डंडी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा मुलायम नहीं होती है, हल्की सी मोटी इसकी डंडी आपको देखने को मिलती है। देखिए बहुत ही ध्यान से मैं पत्ते को आपको फिर से ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उठा करके देखिए कैसा दिखता है ये पौधा, बहुत ही सुंदर दिखता है पौधा और आपको आसानी से समझ में। तो आपने पौधे की पहचान तो कर ली कि कैसा दिखता है, छूने में कैसा होता है, मुलायम होता है, चौड़ी पत्ती होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको इसको रखना कहाँ है। देखिए लिखा हुआ है फेंगुई के अनुसार, क्रासुला का पौधा घर के प्रवेश द्वार की दाहिनी दिशा यानी कि राइट हैंड साइड में रखना चाहिए, जहाँ से सूर्य की रोशनी इस पर पड़े। फेंग सुई में क्रासुला का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश देता है। इस पौधे को घर में रखने से धन में वृद्धि होती है। पैसों के लिए क्रासुला का पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह पौधा धन को आपके घर की ओर खींचता है। अगर आपके घर में धन नहीं रहता और आते ही चला जाता है, तो आप इस पौधे को घर में रखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर भी फेंग सुई की किताब में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी आप देखभाल कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसकी देखभाल ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। हफ्ते में 3 से 4 बार पानी देना है आपको। ज़्यादा पानी, हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा पानी ही भरा रहे, आप उसको पानी ही देते रहें तो वो सूख जाएगा, ठीक है। यह घर में लंबी चौड़ी जगह भी नहीं घेरता, इसलिए आसानी से पौधों को लगाए। आप इसको गमले में लगा सकते हैं, आप जहाँ पर भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ा इसका पौधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहचान मैंने बता दी, कहाँ पर लगाना है आपको ये भी मैंने बता दिया है। तो अब अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो ऐसी और सारी वीडियोस को मैं आप लोग के लिए लाता रहूं।